हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे सामने खड़ी है TVS Ronin 225 और ये मेरे को TVS मोटर कंपनी की तरफ से भेजी गई फॉर रिव्यू। जो वीडियो आज हम इसके ऊपर बनाने लगे हैं वो है इसका डिजिटल मीटर, जो इसका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। बने रहना वीडियो के अंदर, स्किप फॉरवर्ड मत करना एंड वीडियो कर दी सबसे पहले लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो शुरू करते हैं। तो एक बारी दोबारा से इसको ऑन करा है मैंने मीटर को, एक बारी आप लुक्स देख लिए कैसे है। LCD डिस्प्ले है, पूरा डिजिटल मीटर है और बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं इसके अंदर। मैं स्विचेस पे आऊँ तो यहाँ पे ये पास का स्विच, ये है हाई बीम लो बीम का, ये इंडिकेटर का, ये हॉर्न का, और ये जो बटन है वो ये है कि आप अपनी कॉल्स को जो रियल टाइम आएंगी वो अगर ब्लूटूथ से कनेक्टेड हो तो ये आप काट सकते हो। इधर आता हूँ, ये है आपका किल स्विच, ये आपका मोड का बटन, इसमें राइडिंग मोड्स हैं तो यहाँ बटन दबा के तो राइडिंग मोड चेंज कर सकते हो। ये आपका हैजार्ड का स्विच है, यहाँ से आप हैजार्ड सिस्टम को ऑन ऑफ कर सकते हो, और ये है आपका इग्निशन का स्विच। तो सबसे पहले तो जो ये वार्निंग लाइट्स हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये है आपका न्यूट्रल का, ये आपका मैल फंक्शन का, यहाँ पे दोनों जो है आपकी इंडिकेटर का आता है, ये आता है आपका ABS का, यहाँ पे आएगी लो फ्यूल इंडिकेशन, ये आपका हाई बीम का आएगा, और ये कोई एरर का है, एंड यहाँ पे आपका आ गया साइड स्टैंड, क्योंकि मैंने साइड स्टैंड लगाया तो साइड स्टैंड का आ जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, तो सबसे पहले ऊपर यहाँ पे दिया गया है RPM मीटर, ये है आपका टाइम 5:48 PM, ये आपकी स्पीड आ गई, यहाँ पे आपका फ्यूल का आ गया कितना पेट्रोल है एंड ऑल, और यहाँ पे आपका आ गया गियर इंडिकेशन, यहाँ पे आपका अर्बन और रेन का आएगा क्योंकि राइडिंग मोड्स दो दिए गए हैं। तो ये बटन दबाया तो ये देखो यहाँ पे रेन का आ गया, इसको दोबारा दबाता हूँ तो यहाँ पे अर्बन, तो दो राइडिंग मोड्स दिए गए हैं बाइक में। ये देखो यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे Ronin हैव अ नाइस सेफ राइड। तो ये जो एरिया है यहाँ पे आपका पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आती है ब्लूटूथ की, बाइक में ब्लूटूथ दिया गया है, तो आप अब जो TVS की जो ऐप है TVS कनेक्ट, उससे उसमें कनेक्ट करके बहुत सारे फीचर्स ले सकते हैं। तो अगर यहाँ पे सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो आएंगी टर्न बाय टर्न नेविगेशन, यहाँ पे टर्न बाय पूरा का पूरा एरो बनते आते हैं यहाँ पे, और कहाँ पे आप जा रहे हो उसका डिस्टेंस कितना है, कितना टाइम लगेगा वहाँ पे जाने के लिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आती है यहाँ पे। यहाँ पे दो बटन दिए गए हैं, ऊपर मोड का बटन है और नीचे सेट का बटन। तो अगर मैं मोड के बटन को दबाता हूँ तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे पहले सबसे पहले यहाँ पे ओडो लिखा है, ओडोमीटर, इसको दबाऊंगा ऊपर वाले को तो यहाँ पे आ गया ट्रिप ए, तो दोबारा दबाता हूँ यहाँ पे आ गया ट्रिप बी, और इसको दोबारा दबाता हूँ तो यहाँ पे DTE मतलब डिस्टेंस टू MT, जितना पेट्रोल है तो बाइक कितनी और जा सकती है ये है। और जो नीचे वाला बटन है सेट का, जो चीज़ आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन उसको दबा के आप सेट कर सकते हो। सो कंपनी क्या एक्स्ट्रा कर सकती थी कि इसमें आपका रियल टाइम माइलेज दे सकती थी, जो आप चला रहे हो तो कितनी माइलेज दे रही है बाइक, और दूसरा ये है कि आपका 100 किलोमीटर कितने लीटर में बाइक जाएगी रियल टाइम, वो दे सकती थी, क्योंकि ये चीज़ें आपने दी हैं तो एडिशनल देते बहुत बढ़िया होता, क्योंकि आपने यार ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे दी है एंड ऐप के साथ कनेक्ट करके बहुत सारे फीचर दे देंगे, इसको प्रीमियम बाइक बना दिया है तो भाई ये चीज़ें मिसिंग है, तो अगर दे देते तो बहुत अच्छा था। एंड प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, होपफुली कंपनी कोई अगर नहीं अपडेट आती है तो उसके अंदर अगर दे दे तो बहुत बढ़िया लगा। मैं साफ बोलूँगा कि स्पीडोमीटर जो है डिजिटल ये वाला बहुत अच्छा दिया गया, दो थोड़ा सा साइड पे है, थोड़ा स्टाइलिंग के हिसाब से, ये देखो हैंडल पे थोड़ा सा साइड पे, बिल्कुल सेंटर पे नहीं है, बट बढ़िया लगता है, नंबर आपको दिखते हैं। तो प्यारे भाइयों, वीडियो अगर अच्छा लगा है, नॉलेज वाला, वीडियो कर दिए सबसे पहले लाइक, वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा कर लीजिए, नीचे लाल वाला बटन दबा के घंटे वाले बटन दबा दो नोटिफिकेशन के लिए, इंस्टाग्राम फॉलो करें, नीचे आइडिया है। मिलते हैं किसी और वीडियो में आप सबके साथ, एक बार फिर टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।